अस्सलाम वालेकुम सबास बेस्ट क्लासेस में आज हम इंशाल्लाह बटेर मीन्स क्वेल को फ्राई करना सीखेंगे। तीतर बटेर का नाम तो आपने सुना ही होगा। देखिए हमने यहाँ चार बटेर लिए हैं, इन्हें अच्छी तरह से साफ करके धो लीजिए। आप चाहें तो इसकी स्किन भी निकाल सकते हैं। ये बटेर को गलने के लिए काफ़ी वक्त लगता है, काफ़ी सख्त होते हैं, इसीलिए हम इसे प्रेशर कुकर में गलाएंगे। तो हमने इसे प्रेशर कुकर में डाल दिया और फिर उसके बाद देखिए यहाँ चार हरी मिर्चें हैं, 1.5 टेबल स्पून लहसुन है और 1 कटी हुई प्याज है, 1 टी स्पून हल्दी पाउडर है और 1.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट, 3 टेबल स्पून ग्रीन चिली सॉस और 3 टेबल स्पून विनेगर। अब हम ये सारी चीज़ें प्रेशर कुकर में डाल देंगे। तो मैंने हरी मिर्चें डाल दी, फिर उसके बाद अदरक लहसुन पेस्ट डालिए और फिर हम डाल देंगे इसमें ये हल्दी पाउडर, ग्रीन चिली सॉस। इन सभी की क्वांटिटीज़ मैंने आपको पहले ही बताई है। ग्रीन चिली सॉस डाल दिया, फिर उसके बाद हम प्याज डाल देंगे, 1 कटी हुई प्याज हमने डाल दी, लहसुन डाल दीजिए और फिर विनेगर डाल दीजिए और 1 कप पानी डालिए और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और फिर प्रेशर कुकर का ढक्कन लगा दीजिए और फिर इसे गैस पर रखिए, गैस ऑन कीजिए और फिर इसे 4 से 5 सीटी होने तक या बटेर गलने तक इसे पका लीजिए। बटेर गलने के बाद प्रेशर कुकर खोलिए, इसमें से बटेर अलग निकाल लीजिए और ये जो नीचे की ग्रेवी है उसे हम किसी भी सालन वगैरह में यूज़ कर सकते हैं या फिर आप इसका सूप बनाकर पी सकते हैं। तो हमने बटेर अलग कर लिए और बटेर में हम डाल देंगे 2 टेबल स्पून रेड चिली सॉस और फिर 1 टेबल स्पून तंदूरी चिकन मसाला डालिए और 1 टेबल स्पून डार्क सोय सॉस डाल दीजिए, फिर 1 टेबल स्पून विनेगर डालिए या फिर 1 नींबू का रस डाल दीजिए और 1.5 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर डाल दीजिए यानी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए। अब 1/2 टेबल स्पून यानी आधा टेबल स्पून चाट मसाला डाल दीजिए और 1 टेबल स्पून कसूरी मेथी को अपने हाथों से क्रश करके इसमें ऐड कर दीजिए, 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डालिए। अब कॉर्नफ्लोर के साथ सभी मसालों को अच्छी तरह से बटेर पर लगा दीजिए। इस तरह से जब हम थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर डालकर लगाते हैं तो मसाले बहुत अच्छी तरह से चिपक जाते हैं। ठीक है, तो हमने मसाले लगा लिए। अब उसके बाद हम इस पर रेड कलर डाल देंगे। रेड कलर डालना ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। फिर हम इसमें थोड़ा सा ज़्यादा कॉर्नफ्लोर डालेंगे। देखिए हम यहाँ पर 2 से 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर डालेंगे। ये कॉर्नफ्लोर हम इसलिए डाल रहे हैं कि ये जो ऊपर की लेयर है वो अच्छी तरह से क्रिस्पी बने। ठीक है, हमने सभी चीज़ें मिक्स कर ली हैं। उसके बाद हम इसमें 1 अंडे की सफ़ेदी डाल देंगे। अंडे की सफ़ेदी डालने से सारे जो मसाले हैं वो अच्छी तरह से बटेर पर चिपके हुए रहेंगे। ठीक है, तो हमने सभी चीज़ें लगा दी हैं और फिर उसके बाद 1 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर डालिए। देखिए इस तरह से वाइट पेपर पाउडर हम जब डालते हैं तो ये जो बटेर हैं बहुत ही चटपटे से बनेंगे। और उसके बाद सिसमी सीड्स मीन्स तिल डाल दीजिए। तिल डालकर हम अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। ठीक है, और अब तेल गरम कीजिए और गरम तेल में इन बटेर को डालकर फ्राई कर लीजिए। देखिए हमें इसे बहुत ज़्यादा देर तक फ्राई नहीं करना है, बस थोड़ी सी देर में ही ये फ्राई हो जाएंगे क्योंकि ये ऑलरेडी पके हुए हैं, इसीलिए हमें इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस ऊपर की लेयर क्रिस्पी होने तक ही हमें इसे फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। बस ऊपर की लेयर जब क्रिस्पी हो जाएगी तब आप इसे निकाल लीजिए। देखिए कितनी अच्छी तरह से इसके मसाले लगे हैं, तिल भी नहीं निकल रही है और ना ही ऊपर की जो कोटिंग है वो अलग हो रही है, मीन्स ये परफेक्टली बना है। इसी तरह से सारे बटेर फ्राई करके निकालिए और फ्राई करते वक्त आप इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें चीर कर डाल सकते हैं और साथ ही कुछ कड़ी पत्ते डाल सकते हैं, इससे इसका जो फ्लेवर है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है,
ये बटेर को आप सर्मा के दिनों में मीन्स विंटर सीजन में ज़रूर खाइए, क्योंकि ये इस गर्म तासीर रखते हैं और काफ़ी न्यूट्रिशियस भी होते हैं। ये गर्म होते हैं तो सर्मा के दिनों में आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेंगे। तो इसे सलाद के साथ या चटनी के साथ सर्व करें। देखिए अंदर से कितने नरम हैं और ऊपर से काफ़ी क्रिस्पी हैं। तो कैसी लगी आपको रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।